السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरी आवाज आ रही है? मैं और कोई बता दे, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी, जजाक अल्लाह खैर। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं अल्लाह ताला के मुबारक कलाम से। और सबर करो, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो दुनिया में जो भी हालात आती हैं हमारी जिंदगी में, हमें चाहिए कि हम सबर करें, क्योंकि अल्लाह हमेशा सबर करने वालों के साथ ही होता है। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सबर वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों, तुम नमाज और सब्र से मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह ताला हमें भी सब्र की एक अजीम नियामत अता फरमाए, हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, हम आज की क्लास शुरू कर देते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ना कल का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबॉडी रिपीट, हमने कल क्या पढ़ा था, रिवाइज कर सकता सर? हमने कल जमायर पढ़ा था। हाँ जी, जमायर में हमने क्या पढ़ा सर? जमायर में हमने हालत रफी में उनकी 14 किस्में पढ़ी। एक होता है, जी सर, अच्छा, सुनाइए सुनाइए। पहला है कि गायब गायब मुजक्कर में हुआ, हुमा, हुम, और मोनस हालत में या, हुमा, हुना। जी, और इसी तरीके से सेकंड पर्सन की हालत में, यानी कि हाजिर में, अंता, अंतुमा, अंता, अंतुमा। सर तीसरा क्या था? अंतुम, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुम। हाँ, और दूसरा है अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। जी माशाल्लाह। और फिर लास्ट के दो है अना और नहन। फर्स्ट पर्सन, अना और नहनु, माशाल्लाह। तो ये हमने कल पढ़ी थी, ये जमायर हमने पढ़ लिए थे हालत रफ़ी में। ये हालत रफ़ी में थी, यानी जब ये ज़मीरे हमारे सेंटेंस में एज सब्जेक्ट्स होंगे, यानी काम करने वाले होंगे, फ़ाइल होंगे। जब ये एज सब्जेक्ट्स यूज हो रहे होंगे ना, सब्जेक्ट्स, तो तब हम इनको इस तरह से लिखेंगे, इनको इस तरह से यूज करेंगे। हुआ, हुमा, हुम, ये, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुना, अना, नहनु। फिर इस तरह से हम इन्हें यूज करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, यानी जिन पे काम हो रहा है, एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं जिन पे काम हो रहा है, या फिर अगर ये पॉजेस्ड हैं, सॉरी, अगर ये पोसेसिव है, पोसेसिव, अगर ये पोसेसिव है, यानी अगर ये मुजाफ इले है, या हालत जरी में, हालत नस्बी और जरी में, फिर हम कैसे यूज करेंगे? नस्बी और जरी में। तो इनकी थोड़ी शक्ल और सूरत चेंज होगी, वो हम इंशाल्लाह ताला आज कर लेंगे। अब जो लोग आज पहली बार आए या जिन लोगों ने एराब नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं आज दोहराऊंगा थोड़ा सा नस्बी, जरी और रफ़ी क्या होता है। देखिए, हालत रफ़ी होता है एक इस्म की, एक नाउन की वो हालत जब वो एज सब्जेक्ट काम कर रहा है अरबी में, उसकी एक हालत होती है, ठीक है जी। उसकी निशानी होती है, उस पर उसके ऊपर पेश होगा, या उसके ऊपर दो पेश होंगे, या फिर उसके साथ वाव होगा। अगर ये हमें, ये तीन में से कोई एक चीज हमें किसी इस्म के आखिर में मिलती है, बिल्कुल आखिर में, एंड पे ना, तो हम कहेंगे कि ये इस्म हालत रफ़ी में है, ये इस्म हालत रफ़ी में, ये फिर मरफू है, यानी ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी बल्कि अगर इस पे ना एक जबर हो बिल्कुल एंड पे, मान लीजिए जैदुन, जैद नाम है किसी लड़के का, जैदुन, इसके एंड पे क्या है? ये दो पेश। दैट मीन्स ये जैद अगर इस हालत में ऐसे है ना, दैट मीन्स कि ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, काम करने वाला ये। अगर इस पे एक जबर है, या फिर दो जबर है, या फिर इसके साथ अलिफ है, तो हम कहेंगे ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी इस पे काम हो रहा है।
जैसे जैदन, अगर इस तरह से है ना जैदा या फिर जैदन, तो हम कहेंगे कि ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसकी हालत नस्बी हो गई। और हालत जरी क्या होती है? हालत जरी होती है कि अगर मान लीजिए अगर इसकी तरफ किसी चीज को हम निस्बत दें, जैसे जैद का लड़का, जैद का लड़का, ठीक है जी। अब लड़का जैद का है तो जैद का लड़का, एक्चुअली मुझे बात लड़के के बारे में करनी है लेकिन मैं उसकी निस्बत दे रहा हूँ जैद के साथ, उस टाइम में जैद पे क्या इराब होगा? या एक जेर होगा या दो जेरे होंगे या फिर या होगी इसके साथ, जैसे वलदु जैदिन, वलदु जैदिन। इस जैद पे क्या है? जैद पे ये आखिर में दो जेरे हैं, तो ये चीज हमें दिखा रहा है कि जैद पोसेसिव है, जैद। जैद ने प्रोसेस किया है इस बलद को, ठीक है जी। तो वलद जैद मतलब कि ये जैद का लड़का है, जैद ने प्रोसेस किया है। जैद क्या है यहाँ पर? मुजाफ इले, और वलद क्या हो गया? मुजाफ। मैंने ये अभी ऐसे ही बताया, एक ओवरव्यू दे दिया, जिसको ये डीपली सीखना है और ये सीखना जरूरी है, एराब सीखना जरूरी। सारे अरबी में सबसे इंपॉर्टेंट वो है एराब, जिसको एराब समझ नहीं आएगा वो बहुत घाटे में रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग ना पिछले वीडियोस में कुछ भी नहीं देखते लेकिन एराब वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना एराब के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अरबी, ठीक है जी। तो अब हमने कल पढ़े जमायर यानी प्रोनाउंस, हमने पढ़े कि प्रोनाउंस कैसे यूज होंगे हमारे अरबी में, और हमने उनकी हालत रफी पढ़ी थी, यानी जब वो एज सब्जेक्ट यूज होंगे तब हमें उन्हें कैसे लिखे, ठीक है जी। जैसे देखिए जरा, एक होता ही, ही क्या है? ये हालत रफी में। हिज, हिज क्या है? ये मुजाफिले है, ठीक है जी, ये मुजाफिले है। हिज मतलब उसका ना, ये मुजाफिले है। ही क्या है? हालत रफी में है, बात समझ में आ रही है। और हिम, हिम हालत नस्बी में है, हिम हालत नस्बी में है। आप इस तरह समझिए हालत रफी क्या होता है, नस्बी क्या होता है और जरी क्या, यानी ये चीज क्या है? ये ही ये रफी में है, रफी की ही मीनिंग होती है। और हिज क्या है? ये जरी में है। और हिम क्या है? नस्बी में है, सॉरी नस्बी में है, ठीक है जी। अब आप ढूंढेंगे कि किसी बुक पे सर कहाँ ही पे रफी लिखा है, कहाँ जरी लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बस ये समझने से होता है। अगर आप भी समझ जाएंगे तो आपको भी ये समझ आएगा कि ही क्या है, हिज क्या है और हिम क्या है, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि हमारे प्रोनाउंस कैसे आएंगे हालत नस्बी और हालत जरी में। उनकी एक ही हालत होती है, बिल्कुल सेम दिखते हैं, सेम सेम दिखते हैं अरबी में। तो हालत नस्बी और हालत जरी में उनके साथ क्या होगा ना, पहले कुछ ना कुछ होगा। ये हालत मैं पहले लिखता हूँ, जमायर हालत नस्बी और हालत जरी, हालत नस्बी और जरी में कैसे होंगे? देखिए जरा, सबसे पहले तो वो एंड में होंगे ना, बिल्कुल एंड में होंगे, क्योंकि जो मुजाफिले होता है यानी हालत जर में जो होता है मुजाफिले होगा, मुजाफिले एंड में होता है। ऐसे हालत नस्बी में ऑब्वियसली एंड में ही होंगे। लेकिन जो अभी हमने हालत रफी कल पढ़ी ना, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये बिल्कुल सामने होंगे, स्टार्टिंग में होंगे हमेशा। हम इंशाल्लाह कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में ना ज्यादा समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। तो हालत नस्बी और हालत जेदी में बिल्कुल एंड पे होगी, दैट मीन्स पहले कोई वर्ड होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे मैं डैश लगा रहा हूँ, तो इसके एंड में होगा हो, इसके एंड में होगा हो, ठीक है जी। ऐसे ये हुआ के बाद, यानी इसका सीगा क्या होगा? यह वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मुजक्कर है, ठीक है जी। और जो इसका तस्निया होगा, तस्निया मुजक्कर गायब, वो इस तरह से आएगा हुमा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, बस एंड में आएगा। यहां से हुआ से हु बना और ये हुमा एस, सॉरी सॉरी ये हुमा नहीं बनेगा, ये बनेगा हा, आई एम सॉरी, ये बनेगा हा, हा, अच्छा हाँ, ये हुमा बनेगा, हुमा, हु, ये हुमा बनेगा, तस्निया मुजक्कर गायब, ये हुमा रहेगा, हा नहीं हुमा रहेगा, और जमा में क्या आएगा? हुम, जमा में आएगा हुम, ठीक है जी। मीनिंग क्या होगी? अगर नस्बी में, नस्बी में मतलब वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द,
ठीक है ना, ये सब मर्द, एक मर्द दो मर्द, में आपको समझाने के लिए यूज करो, तर्जुमा होगा वो सबका, ठीक है जी, तर्जुमा होगा वो सबका। हालत जेदी में क्या होगा, उसका, उन दो का, उन सब का, ठीक है जी। हालत जेदी में तर्जुमा क्या होगा, ये हो गया उस एक मर्द का, हालत जेदी में तर्जुमा क्या होगा इसका, कोई कुछ पूछ रहा है चैट बॉक्स में, एक मिनट में चेक करता हूँ, प्लीज रिपीट कीजिए। ओके मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला कि ये हालत नस्बी व जरी में ऐसे हम अपने प्रोनाउंस लिखेंगे, थर्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, थर्ड पर्सन, सर मुझे कॉल आई थी इसलिए आवाज नहीं आई। मैंने बोला ये थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर के लिए, थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर के लिए हालत नस्बी व हालत जरी में आप हुआ के बदले हु यूज करेंगे, ठीक है जी, हुआ के बदले हु यूज करेंगे, दैट मींस ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए आएगा, और तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए हालत नस्बी में भी जरी में भी हुमा ही यूज होगा, हुमा ही यूज होगा। फर्क क्या है, ये यहाँ पे एंड में, बिल्कुल एंड में यूज होंगे ये सब हालत नस्बी व जरी में, जबकि हालत रफी वाले प्रोनाउन स्टार्टिंग पे यूज होते हैं, ठीक है जी, वो स्टार्टिंग पे यूज होते हैं, ये एंड में होंगे। और जो हुम है या जमा मुज़क्कर गायब के लिए आप यूज करेंगे हुम, हालत नस्बी में भी और जरी में भी। अब इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी, मैं ट्रांसलेशन पे अगर बात कर लूं तो मैंने ये बोला, अगर मैं ट्रांसलेशन पे इनकी बात कर लूं तो इनके साथ पहले ये बिल्कुल एंड में होंगे, लास्ट में होंगे, इसलिए मैं पहले ये ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी, देखिए जो हु है ना, अगर हालत नस्बी की मैं बात करूं तो तर्जुमा क्या होगा, वो एक मर्द, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा उस टाइम, ऑब्जेक्ट होगा यानी मफ़ऊल होगा, वो एक मर्द। हुमा का तर्जुमा क्या होगा, वो दो मर्द, मर्द मतलब मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए होगा वो दो, ठीक है जी। हुम के लिए क्या तर्जुमा होगा, वो सब, जबकि हालत जरी में मुज़ाफ़िले होने की सूरत में उसका यानी उस एक मर्द का, इसका तर्जुमा होगा उसका, उस एक मर्द का, और हुमा इसका तर्जुमा क्या होगा, उन दो मर्दों का, और हुम इसका तर्जुमा क्या होगा, उन सब मर्दों का। बात समझ में आ रही है ना, ये तो आप मतलब ये तो कॉमन सेंस है, जब मुज़ाफ़ इलैह होगा तो फिर क्या तर्जुमा होगा, मुज़ाफ़ इलैह मतलब पोजेसिव है, किसी को पोजेस कर रहा है, जैद की किताब। अब जैसे हम लिखते थे ना किताबु ज़ैदिन, अभी मैं समझ जाता आपको, हम लिखते थे ना किताबु ज़ैदिन, हम लिखते थे किताबु ज़ैदिन जैद की किताब। अब अगर मुझे यूं लिखना होगा जैद के बदले उसकी किताब, ठीक है जी, उसकी किताब, तो मैं किस तरह से लिखूंगा, समझिएगा, अगर मुझे लिखना होगा उसकी किताब तो मैं लिखूंगा किताबु, देखिए जरा किताबु है ना, किताबु, अब उसकी, उसकी मतलब उस एक मर्द की, किताबु हु, किताबु हु, बात समझ में आ रही है, किताबु हु। हमें सीखेंगे ये फिर चेंज कब होगा ऐसे कि किस तरह से होगा, ये एक हा आया यहाँ पर किताबुहु, दैट मीन्स ये हालत के जरी महन मुज़ाफ़िले है उसकी किताब, और मुज़ाफ़िले क्या है यहाँ, ज़मीर हा, प्रोनाउन हा, ठीक है जी, प्रोनाउन हा क्या बनेगा यहाँ पे, मुज़ाफ़िले। अभी आप इस पे ज्यादा मत जाइएगा, मैं इंशाल्लाह कल समझाऊंगा डिटेल में, अभी आप ये पढ़ लीजिए कि हम ज़मायर कैसे यूज करेंगे, फिर उनको हम यूज कल करेंगे, अभी बस सीख रहे हैं हम कैसे हम ज़मायर लिख लें, ठीक है जी। तो मैंने बोला हुमा हुम ये होगा थर्ड पर्सन मुज़क्कर के लिए, थर्ड पर्सन मुज़क्कर के लिए, ये वाहिद के लिए, ये तस्निया के लिए, और ये जमा। अब आ रहे, अब बात करेंगे मोनस के, थर्ड पर्सन मोनस के लिए, तो वाहिद के लिए यूज होगा हा, हा वो एक औरत, ये यानी ये जमीर यूज होगी, ये प्रोनाउन यूज होगा एक औरत के लिए जो थर्ड पर्सन, जो सामने मौजूद नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है वो, थर्ड पर्सन तो आप समझ ही रहे हैं ना, जिसको गायब कहेंगे उर्दू में, ये थर्ड पर्सन है, उसके लिए ज़मीर यूज़ होगा हालत नस्बी और हालत जरी में। हालत नस्बी में उसका तर्जुमा क्या होगा, वो, और हालत जरी में उसका, उस मतलब उस औरत का, उस एक औरत का, उस मोनस का, ठीक है जी, औरत ही नहीं, ये कोई मोनस जानवर भी हो सकती है, तो यहाँ पे हा ज़मीर मतलब मोनस का, उस मोनस का। ऐसे ही इसका तस्निया क्या आएगा, हुमा, इसका तस्निया क्या आएगा, हुमा, हुमा मतलब हालत नस्बी में इसका तर्जुमा होगा वो दो औरतें,
वो दो औरतें, यानी ये दो औरतों के लिए ये प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है जी। जबकि हालत जरी और मुजाफ इले में, हालत जरी में क्या होगा इसका, इसका तर्जुमा होगा उनका, उन दो औरतों का, उनका यानी दो औरतों का। बात समझ में आ रही है? इसका तर्जुमा होगा मुजाफ हालत जरी में उनका, हा हुमा, इस तरह से प्रोनाउन हम यूज करेंगे। और जमा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हा हुमा हुन्ना। ये कल वाली बात है, बिल्कुल वही रिपीट हो रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कल क्या था? हुआ हुमा हुम, आज क्या आया? हुमा हुम, बस हुआ चेंज हुआ हुम में। फिर था हिया हुमा हुन्ना, यहाँ हिया चेंज हुआ हा में, हा हुमा हुन्ना, बाकी सब चेंज, बाकी सब सेम है, ठीक है जी। हालत नस्बी और हालत जदी में हम ये प्रोनाउन सीख रहे हैं। तो अब सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं, जो आपके सामने है, जिससे आप बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन जो मुखातिब है आपका, जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उसके साथ जो, अगर मैं उनकी बात करूं, पहले मुजक्कर की बात करता हूँ, पहले मुजक्कर की बात करता हूँ, मैस्कुलिनिस की बात करता हूँ, तो वाहिद के लिए क्या यूज करेंगे आप? ऐसे का हम कहते हैं ना, जजाकल्ला, जजाकल्ला, यानी तुम्हें अल्लाह जजा दे, ठीक है जी। जजाक, एक का जमीर क्या है ना, ऐसे लिखते हैं जजाकल्ला, जजाक का, एक का मतलब तू एक मर्द को, तू मुजक्कर को, तुम्हें जजा दे, ठीक है जी। तो जब सामने आपका मुजक्कर हो ना, जिसको आप, अब मान लीजिए आप मुझे कहेंगे जजाकल्ला, आप जजाकल्ला यूज करेंगे, और बहुत सारे हों तो जजा, अभी सीखेंगे फिर आप इसके बाद बता देंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बनेगा, ठीक है जी। का मतलब तू एक मर्द, ठीक है जी, तू एक मर्द। और हालत जरी में इसका का तर्जुमा होगा तुम्हारा, यानी तू एक मर्द का, ठीक है जी। और अगर ये दो होंगे, अब अगर ये दो होंगे, तस्निया में मुजक्कर है सेकंड पर्सन, तो क्या आएगा जमीर? कुमा, कुमा, तुम दो मर्द, यानी कुमा यूज होगा दो मर्दों के लिए जो सेकंड पर्सन हो। देखिए ये वहां भी कल भी था ना, ऐसे अंतुमा, वहां था अंता, अंतुमा, अंतुम, यहाँ आएगा का कुमा कुम, का कुमा कुम, ठीक है जी, का कुमा कुम। तो ये क्या हो गया? तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, इसका तर्जुमा हालत नस्बी में। और अगर यही हालत जरी में होंगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है उनका, हालत जरी में भी ऐसे दिखते होंगे और हालत नस्बी में भी ऐसे ही दिखते होंगे, और फिर वो आप सेंटेंस देख के पहचान जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है मुजाफिले है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या तर्जुमा करेंगे? तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द। अगर मुजाफिले होंगे तो तुम्हारा, यानी तू एक मर्द का, तुम दो मर्दों का, तुम सब मर्दों का, जो भी फिर मुजाफ होगा वो चीज इनकी होगी। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे जजाक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें जजा दे। तो यहाँ पे तू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तुम्हें जजा देना है ना, जजा देना काम है, जजा देने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह फाइल है, मफूल कौन है? ये जमीर काफ, मफूल क्या है? ये प्रोनाउन जजाकल्ला। अगर आपके सामने जिसको आप जजाकल्ला बोल रहे हैं ना, अगर वो मुजक्कर है और एक वाहिद अकेला है तो आप बोलेंगे जजाकल्ला, अगर वो दो है तो आपके बोलेंगे जजाकुमल्ला, अगर वो बहुत सारे हैं तो जजाकुमुल्लाह। बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे जजाकुमुल्लाह, ठीक है जी, जजाकुमुल्लाह। तो अब अगर इनकी मोनस की बात कर लेंगे, इनके मोनस की बात कर लेंगे, तो फिर क्या आएगा? अगर सेकंड पर्सन मोनस की बात कर लेंगे, सेकंड पर्सन मोनस की बात कर लेंगे, तो वाहिद के लिए क्या आएगा? जमीर काफ, बिल्कुल, लेकिन जेर, कि अभी था का मर्द के लिए और औरत के लिए कि, ठीक है जी, मर्द के लिए क्या था? का, औरत के लिए क्या आएगा? कि यानी तू एक औरत, तू एक लड़की, ठीक है जी, या फिर तुम्हारा, यानी तू एक लड़की का, ठीक है जी, तू एक औरत का, अगर हालत जरी में इसका तर्जुमा हो, तर्जुमे दोनों होंगे, वो समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट से, सियाक व सबाक से। जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, आपको खुद समझ आ रहा है कि मैं तर्जुमा क्या करूंगा, तू एक औरत या फिर तुम्हारा, ये तर्जुमा खुद समझ आएगा इंशाल्लाह। हम सीखेंगे ना, अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इंशाल्लाह सारा सिखाऊंगा, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके। बस अभी हम सीख रहे हैं जमीर हम कैसे लिखेंगे, कि मतलब ये वाहिद मोनस के लिए यूज होगा, वाहिद मोनस के लिए यूज होगा। तो अगर तस्निया के लिए यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? कुमा, सेम जो मुजक्कर के लिए हमने यूज किया, कुमा, ठीक है जी, कुमा। और अगर जमा के लिए यूज करना होगा तो कुन्ना, जमा के लिए यूज करना होगा तो कुन्ना,
कुन्ना कि मतलब क्या हो गया, तू एक औरत, कुमा तुम दो औरतें, कुन्ना तुम सब औरतें, यानी हालत नस्ब में लेती, फर्क ये है। कल जो हमने पढ़ा ना अंत अंतुमा अंतुन्ना, वो हालत रफ़ी में था, वो हालत रफ़ी में था। हालत नस्बी और हालत जेरी में क्या लिखेंगे हम कि कुमा कुन्ना, ये फर्क है कि कुमा कुन्ना। और अगर हालत नस्ब में तर्जुमा क्या होगा, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। हालत जेरी में तू एक औरत का, तुम दो औरतों का, तुम सब औरतों का, ये तर्जुमा होगा हालत जेरी में। अब अगर आपको किसी लड़की को कहना है अल्लाह आपको जजा दे, आपके सामने एक लड़की है उसको कहना है, तो आप जजाकल्ला नहीं कहेंगे। क्यों? जजाकल्ला मतलब तू एक मर्द को अल्लाह जजा दे, तो जजाकिल्ला कहेंगे। आज तक आप तकरीबन सब लोग ही गलत बोल रहे थे, कोई कोई सही बोल रहा था, तो जजाकिल्ला बोलेंगे। ठीक है जी, जजाकिल्ला बोलेंगे। बहुत सारे होंगे तो जजाकुमुल्ला बोलेंगे। ठीक है जी, बहुत सारे होंगे तो जजाकुमुल्ला बोलेंगे। अगर बहुत सारी औरतें ही औरतें होंगी, वहां मर्द कोई नहीं होगा, तो जजा जजाकुनल्लाह बोलेंगे, जजाकुनल्लाह। और अगर उसमें कोई मर्द भी है तो फिर जमीर मर्द वाला यूज होगा, वो सबके लिए फिर कॉमन रहेगा, जजाकुमुल्लाह। जैसे हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। ये अलैकुम क्या है यहाँ पर? अला मतलब, अला मतलब पर, एक्चुअली क्या है अला, देखिए जरा ये चीज क्या है, अला, अला मीन्स पर। कुम क्या है यहाँ? कुम, कुम क्या है यहाँ? तुम सब मर्दों पर, लेकिन इसमें औरतें भी आएंगी। कि जी हम कहेंगे मतलब जनरली अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। जब जब एक साथ मर्द भी बैठे होंगे औरत भी बैठे होंगी, तब हम यूज करेंगे कौन सा ज़मीर? कुम, यानी मर्दों वाला ज़मीर तब यूज होगा। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर अल्लाह की सलाम, तुम सब पर सलामती हो, ये तर्जुमा होगा, तुम सब पर सलामती हो। अगर आपके सामने एक ही बंदा है, मर्द है वो, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं अस्सलामु अलैका, ये भी कह सकते हैं। और अरब में ना यही यूज होता है, जब बंदा अकेला हो तब कहते हैं अस्सलामु अलैका। इसलिए आप अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम, वो एक है ना, आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसलिए आप औरत फतह में क्या पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर सलातु वस्सलाम, अलैका वहां अलैकुम नहीं पढ़ते, क्योंकि एक को सलाम कर, समझ आ रहा है? इंशाल्लाह ताला हम ये आगे अच्छी तरह सीख लेंगे, हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, बस मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके जोक के लिए, आपके शौक के लिए। तो अब आखिरी दो ये पढ़ लेंगे, आखिरी दो प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए हमने कल कहा था हालत राफी में आया था अना और नहनु, और हालत नस्बी व जरी में आएगा अना के बदले या, या, या। ठीक है जी, या मतलब मैं एक मर्द या मैं एक औरत, या मेरा, ठीक है जी, मेरा मतलब मैं एक मर्द का या मैं एक औरत का, दोनों तर्जुमे होंगे। मैं एक मर्द होगा तर्जुमा हालत नस्बी में, और मेरा तर्जुमा होगा हालत जरी में। मैं एक औरत होगा तर्जुमा हालत नस्बी में, और मेरा होगा तर्जुमा हालत जरी में। या दोनों के लिए यूज होगा, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी यूज होगा। ठीक है जी, और अगर तस्निया के लिए, जमा के लिए, और वो भी मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, सबके लिए फिर यूज होगा ना, ना, ना मतलब हम दो मर्द या दो औरतें, दोनों तर्जुमे होंगे, या हम सब मर्द या सब औरतें, ये तर्जुमा भी होगा। फिर देखेंगे ना सेंटेंस में दो की बात हो रही है, सब की बात हो रही है, अकॉर्डिंगली तर्जुमा होगा। यानी कि ना यूज होता है तस्निये के लिए भी और जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए। दो मर्द होंगे तब भी वो कहेंगे ना, अस्सलामु अलैना, अत्तहियात में पढ़ते होंगे आप अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम सलामती हो हम पर, अलैना अलैना, ऐसे अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, अलैना, ये ना क्या है, हम पर, अलैना, अला मतलब पर, अलैना हम पर, हम मतलब हम सब सारे मुसलमान, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, एक्चुअली सारे मुसलमान कौन है, एक्चुअली मेराज का वाक्य है उसमें पे किसने कहा था, मुझे उसमें नहीं जाना डीप, बहरहाल अस्सलामु अलैना तर्जुमा होगा हम सब पर सलामती। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, कल हमने हालत रफी में पढ़े थे, जो जमायर पढ़े थे, प्रोनाउंस पढ़े थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और आज उन्हीं जमायर का अगर हालत, उनकी हालत नस्बी देखी जाए या हालत जरीद देखी जाए, तो कैसे कहेंगे हम, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, के कुमा कुन्ना, या ना,
मैं एक बार लिख रहा हूं, ये सब के सब मैं एक बार आप लोगों के लिख रहा हूं, इस तरह से आएंगे। हो मीटिंग 10 मिनट के बाद एंड होगी, मैं ये लिख लूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो पूछ लेगा साथ ही। हा हम सॉरी 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 फिर से कर हुमा हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम के कुमा कुन्ना या ना ठीक है जी। यानी ये हो गया वो एक मर्द, देखिए ये हो गया वो एक मर्द या उस एक मर्द का, ये हो गया वो दो मर्द या उन दो मर्दों का, दोनों तर्जमे होंगे। ये हो गया वो सब मर्द या उन सब मर्दों का, लेकिन ये वो मर्द वो दो मर्द जब वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब उन पे काम कर रहा होगा तब हम इस तरह से यूज करेंगे। ये हा क्या हो गया, वो एक औरत या उस एक ठीक है जी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वो एक अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला ये हा जो हा है, हा मतलब वो एक औरत या उस एक औरत का, हुमा मतलब वो दो औरतें या उन दो औरतों का, हुन्ना वो सब औरतें या उन सब औरतों का तू एक मर्द या तू एक मर्द का यानी तुम्हारा, कुमा तुम दो मर्द या तुम्हारा यानी तुम दो मर्दों का, तुम दो मर्दों की भी हो सकता है, तुम दो मर्दों के भी हो सकता है, यानी मुजाफिले, मेरे कहने का मतलब मुजाफिले। और कुमा तुम दो मर्दों का, कुम तुम सब मर्द या तुम सब मर्दों का, दोनों तर्जमे होंगे ऐसे कि तू एक औरत या तू एक औरत का, कुमा तुम दो औरतें या तुम दो औरतों का, कुन्ना तुम सब औरतें या तुम सब औरतों का, या मैं एक मर्द या मैं एक औरत या मैं एक मर्द का या मैं एक औरत का, ये सारे तर्जमे होंगे, ये सबके लिए यूज होगा। ना हम दो मर्द या हम दो औरतें या हम दो मर्दों का या हम दो औरतों का, हम सब मर्द हम सब औरतें हम सब मर्दों का हम सब औरतों का, इसमें ये सबके लिए यूज होगा। ना ये सबके लिए यूज होगा, ये सबके लिए यूज होगा ठीक है जी। अब जरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा इनकी, ना हम यूज ये कैसे करेंगे, हालत रफी में ये कैसे यूज होंगे और हालत नस्ली में कैसे यूज होंगे। अगर मैं कहता हूं ज़ाइदुन वलिह, यह गलत है, ज़ाइदुन वलदुन सालिहुन, ये जुमला सही है या गलत है, कोई मुझे बोले। सर मेरे हिसाब से गलत है सर, क्या गलत है इसमें, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है कि मुजाफ कौन है या मुजाफले कौन है, या सब्जेक्ट कौन है इसमें और ऑब्जेक्ट कौन है। क्या जरूरी है कि हर एक सेंटेंस पे मुजाफ हो मुजाफले हो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, सिफत मौसूब नहीं पढ़ा आपने, सर मुरक्कब अगर तौसीफ पढ़ा आपने, सिफ मुरक्कब तौसीफ ही जी सर पढ़ा। जी सर जी सर हाँ हाँ उसमें ये सिफत हो रहा मुरक्कब है, तौसीफ बिल्कुल ही नहीं है क्या, जैद मरकब भी देखिए तौसीफ तर्जुमा है। क्या होगा, जैद एक नेक लड़का है, जैद एक नेक लड़का है, ये तर्जुमा होगा, आप लोग भूल रहे हैं पीछे का, रिवाइज नहीं कर रहे आप लोग, जैद एक नेक लड़का है, ये तर्जुमा होगा, जैद एक नेक लड़का है, जैदुन वलदुन सालिहुन सब वाहिद तीनों है, एरा भी तीनों का सेम है, तीनों नकेरा भी है, इसमें क्या गलती, इसमें गलती कोई भी नहीं, ये सब ये सही है। अब मैंने कहा जैद एक नेक लड़का है ठीक है जी, जैदुन वलदुन सालिहुन, अब मुझे कहना होगा मान लीजिए वो अफजल का बेटा है, वो अफजल का बेटा है, अब मैंने क्या यूज किया वो, अब फिर से मैं जैद यूज नहीं करूंगा ना, जैद एक नेक लड़का है वो अफजल का बेटा है, अब मैं क्या करूंगा यूज हुआ, हुआ
ठीक है जी, हुआ जैद के बदले क्या यूज होगा, हुआ, हुआ इब्नु, इब्नु मतलब बेटा, हुआ इब्नु अफदलिन, हुआ इब्नु अफदलिन, वो अफजल का बेटा है। इब्न, ठीक है जी, वो अफजल का बेटा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना? ऐसे ही जी सर, ये हुआ मैंने इस ऐसे यूज किया। अब मान लीजिए अगर मुझे यूं कहना होगा, अगर मुझे यूं कहना होगा उसकी, देखिए उसकी या ये उसकी किताब है, इसकी किताब जैद, ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब है। अब ये यहाँ पे मुजाफ मुजाफ है, ये उसकी किताब है ना, उसकी, उस कौन है, जैद, तो ये क्या हो गया, हाजा मुजाफिल को सामने ले आएंगे, हाजा किताब, किताब हु, उसकी मतलब हु, कहा ना मैंने हाजा किताब हु, ये उसकी किताब है, ठीक है जी। तर्जुमा इस हु का क्या हुआ, वाहिद मुजक्कर, ये उसकी किताब है, जैद की किताब, बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम इन्हें इंशाल्लाह ताला यूज कर लेंगे। अब आप लोग मुझे बोले जरा, उन दो औरतों का घर, उन दो औरतों का घर, इन्हें तस्निया है मोनस है, क्या आएगा, उन दो औरतों का घर, एक्चुअली है उनका घर, अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं उन दो औरतों का, यानी उनका घर, बोले यानी कि आपको उन जमीर यूज करना, उनका घर क्या है, मुजाफ मुजाफिल है ना, मुजाफ मुजाफिल है, तो घर को सामने ले आएंगे, भाई तो घर को सामने ले लाके भाई तो, अब मुजाफिल क्या है, उन जमीर, उन यानी उन दो औरतों ना, तस्निया जमीर क्या है, तस्निया मोनस, तस्निया मोनस गायब, तस्निया मोनस थर्ड पर्सन है ना, उन तस्निया मोनस गायब, वो क्या होगा, हुमा, बैतु हुमा, बैतु हुमा है ना, हुमा पीछे आग हुआ ना यूज, अब बैतु हुमा सामने कुछ है उसके बाद यूज हो हुमा, उन दो औरतों का घर, उन दो औरतों का घर, मुरक्कब इजाफी हम अभी भी पढ़ रहे, उन दो औरतों का घर, इस तरह से यूज होगा ये, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है जी सर, जी माशाल्लाह। जरा देखिए अगर मैं यूं कहूं, अब आप लोग मुझे बोले, आप लोग इसका तर्जुमा कीजिए, ये उसकी यानी औरत, ये उसकी किताब है, कोई तर्जुमा करे, ये उसकी किताब है, हाजी किताब है, हाजी ही अरबी में किताब मुजक्कर है ना, अरबी में किताब मुजक्कर है, तो हाजा, ठीक है जी, हाजा किताब वहा, माशाल्लाह, हाजा किताब वहा, ये उसकी किताब है, हाजा किताब वहा, और उसकी मतलब, उसकी मतलब क्या हुआ, उसकी कौन है, एक औरत है, ठीक है जी, उसकी मतलब एक औरत है, ठीक है, हाजा किताब वहा, ये उसकी किताब है, उस एक औरत की किताब है। अब अगर यहां पे ऐसे होगा, उसकी के बदले उनकी, उन औरतों की, हाँ उनकी,
अब ये अगर उनकी होता आप बताइए,